माय चैनल मिनी ब्लॉग्स इंडियन मॉम ब्यूटी फैशन एंड लाइफस्टाइल के बारे में मैं वीडियो बनाती हूँ। और आज का वीडियो फिर से ममा के लिए ही है, ममा और उनके बच्चों के लिए है। तो आज जिस मैं प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है डाबर लाल तेल और जॉनसन बेबी मसाज ऑयल। दोनों का रिव्यू करूँगी और दोनों का कंपैरिजन बताऊँगी कि विच वन इज़ बेटर फॉर योर चाइल्ड मसाज। सो लेट स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको फ्रेंड्स डाबर लाल तेल, ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। और उसके बाद हम इसको खोले और ये इस तरीके की शीशी में आता है, बहुत ही बढ़िया शीशी होती है, हैंडी शीशी है। ये छोटे छोटे भी आते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं तो आप आराम से इनको अपने बैग में डाल के ले जा सकते हैं। और टिकटॉक लॉक के साथ आता है तो कोई भी लीकेज का कोई डर नहीं होता। तो ये थी पैकेजिंग की बात। और अब इस ये जो बॉटल है फ्रेंड्स, ये फुल साइज़ बॉटल है और मैं अपनी बेटी को कितनी बॉटल्स लगा चुकी हूँ आई डोंट नो, और मुझे नहीं पता है। मैं इसी से मसाज कर रही हूँ इसे, और ये तेल मेरे लिए मतलब मैं इसको जो भी बोलना चाहूँ वो कम है। इट्स वेरी गुड, 5 out of 5 इसको मैं पॉइंट्स देना चाहूँगी। और ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही अफोर्डेबल भी है और बजट फ्रेंडली है, और बच्चे के लिए तो थोड़ा पैसा खर्च भी हो जाए तो हमें अफसोस नहीं होता। और ये इसका नेट वेट 200 ml है, 165 का है। और इसमें बहुत ये आयुर्वेदिक ऑयल है फ्रेंड्स, ये कंपनी बता रही जैसे कि स्पेशल आयुर्वेदिक ऑयल्स फॉर बेबी ये लिखा हुआ है, स्पेशल आयुर्वेदिक ऑयल फॉर बेबीज़ के लिए। और इसमें जो जो बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं और बोल रहे हैं रेगुलर मसाज से बोन्स और मसल्स बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, तो ये सही बात है। मुझे तो ये मसाज करने में काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें जो कंटेंट बहुत से जो जो चीज़ें इसमें मिली हुई हैं, नो पैराफिन, इसमें पैराफिन नहीं है, एंड बहुत ही ऑथेंटिक एरोमा है आयुर्वेदिक हर्ब्स का। और ये रेड कलर का ऑयल है जो कि आपको स्किन डिजीज से बचाता है, बेबीज की स्किन को प्रोटेक्ट करता है और बोन्स को मजबूत करता है, मसल्स को मजबूत करता है। और इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में बता देती हूँ। रतन जोत जो कि त्वचा के रोगों से बचाव करें, जो कि स्किन डिजीज हो रही है उनसे बचाता है। शंख पुष्पी ये भी एक बच्चों को कमज़ोर होने से बचाता है। कपूर है जो रक्त संचार मतलब ब्लड फ्लो को बहुत अच्छा करता है। उड़द है जो मांसपेशी और हड्डियों को बहुत ही मजबूत करती है। तो इसको दोनों टाइम मालिश ये कंपनी क्लेम करती है, आपका बच्चा बहुत ही जल्दी चलने लगेगा और बहुत ही मजबूत उसकी मांसपेशियाँ और बोन्स होंगी। और ये बहुत सही बात है, मैंने तो कितनी बॉटल्स लगा दी, मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा रहा और मैं रेगुलर इसी से मसाज करती हूँ। बस फ्रेंड्स मुझे थोड़ी सी इसमें एक्चुअली ये थोड़ा सा गर्म होता है, तो हम अपने बच्चे के लिए ये विंटर के लिए बहुत ही अच्छा है, बट इट्स नॉट गुड फॉर समर। दैट्स वाई आई यूज़ जॉनसन बेबी ऑयल इन समर टाइम, बट ऑल द वेदर टाइम अदर रेनी टाइम है, अदरवाइज विंटर है, आई ऑलवेज प्रेफर ओनली डाबर लाल तेल। और ये बहुत ही अच्छा है, मैं इसको ही रिकमेंड करूँगी। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी डाबर लाल तेल की है और मैं मदर्स को जो नई मम्मा बनी है, नई मदर्स है, उनको डाबर लाल तेल ही रिकमेंड करूँगी। पर कभी कभी ये जो को थोड़ा सा गर्म होता है और थोड़ा सा गर्मियों में अगर हम इसे लगाते हैं तो गर्म होने की वजह से इसमें थोड़े से बच्चों पे दाने ना आ जाएं, इसलिए उस समय ज़्यादा गर्मी आपके एरिया में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप जॉनसन बेबी का ऑयल मसाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो टेक्स्चर है वो रेड कलर का ऑयल है, बहुत ही गाढ़ा सा रेड कलर का ऑयल है, ये आप देखेंगे ये आराम से और स्किन पर बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही अच्छे से मसाज देता है। और स्मेल भी इसकी पूरी आयुर्वेदिक हर्ब्स ही है, मुझे तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है और मैं अपने बच्चे पे इसका डेली मसाज करती हूँ, 2 times तो कोशिश करती हूँ, कभी कभी कहीं जाना है तो एक ही टाइम हो पाता है तो, बट एक टाइम तो करना ही करना है। तो ये था डाबर लाल तेल का रिव्यू। और अब मैं नेक्स्ट बता रही हूँ जो जॉनसन बेबी देख रहे हैं आप, ये भी मेरी आधी बॉटल हो गई है और ये भी मैंने 2-3 bottles तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। मैं समर टाइम में मैं जनरली जॉनसन बेबी ऑयल यूज़ करती हूँ या फिर फिगारो ऑयल यूज़ करती हूँ। फिगारो ऑयल भी काफ़ी अच्छा है, उसका मैं आपको अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा तो मैं उसका भी रिव्यू दूँगी। और ये जॉनसन बेबी ऑयल जो कंपनी क्लेम करती है विद विटामिन ई के साथ है, स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर
बेबीज है, और ये 200 ml की बॉटल है और इसकी ये 175 है। ये भी 200 ml था, वो 165 था, 10 रुपये का अंतर आता है सिर्फ। बट मैं फिर भी वही डाबर लाल तेल ही बेटर बताऊँगी। और इसमें कोई हर्ब्स नहीं है, ये आयुर्वेदिक नहीं है, ये मसाज के लिए परफेक्ट है। पर मैं सिर्फ जैसे कि मैं बोल रही हूँ, जॉनसन जैसा ब्रांड बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, बहुत अच्छा है। और डाबर लाल वाला ब्रांड भी बहुत पहले का ब्रांड है, बहुत पहले से लोग इसको यूज़ करते चले आ रहे हैं। बट मैं दोनों के कंपेरिजन बताऊँ, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ही सही है। दोनों का टेक्सचर, ऑयल, प्राइस, एवरीथिंग इज गुड, और मसाज के लिए दोनों बेटर हैं। बट कंपैरिजन किया जाए तो मेरे हिसाब से मैं रेड डबल लाल तेल ही मदर्स को रेकमेंड करूँगी। और जॉनसन बेबी का ऑयल भी बेकार नहीं है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो, सॉरी आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ करके इसको भी देख सकते हो। मैं समर के लिए इसको भी आपको बोलूँगी कि आप यूज़ करके देख सकते हो। तो इसका भी टेक्सचर मैं दिखा दूँ, ये तो पूरा क्रिस्टल क्लियर कलर का है, और क्रिस्टल क्लियर कलर का है और पूरा जैसे वाटर होता है, मेरे हाथ में दिख भी नहीं रहा ये। और ये भी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। जॉनसन बेबी ऑयल मैं यूज़ करती हूँ अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए भी, फ्रेंड्स, बच्चे के साथ साथ। तो ये था मेरा बस वीडियो छोटा सा, और जो मैं चाहती थी कि मैं बता दूँ, मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि आप कौन सा बेबी के लिए अपने ऑयल यूज़ करते हैं मसाज के लिए, तो मैंने सोचा दोनों बता देती हूँ मैं, और आपको दोनों यूज़ करके देखिएगा, जो बेटर लगे वो आप अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मेरी बात माननी है थोड़ी बहुत, तो मेरी भी सुनते होंगे, तो उसके लिए मैं डाबर लाल तेल ही प्रेफर करने को बोलूँगी। और ये था मेरा छोटा सा वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे थम्स अप दीजिएगा, लाइक करिएगा, और फ्रेंड्स पहली बार देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और मेरे वीडियोज़ आएँ और आपको पता चल जाए तो नोटिफिकेशन बेल को टैप करना नहीं भूलिएगा, और मेरे वीडियो को शेयर करना तो गलती से भी नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।